सो हाय गाइस, माय नेम इज अतुल कोशिका, न्यू चुगवर चुआ टेक कर दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से सीएस टेक की तरह लोगो कैसे बना सकते हैं। काफी सिंपल एंड इजी है, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक VOD यानी वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है। ये वीडियो हमें सजेस्ट की थी वाजिद मुतवा ने, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं हैशटैग VOD के साथ और कमेंट कर दीजिए जो भी आपको चाहिए। इसके लिए आपको फॉन्ट की जरूरत पड़ने वाली है और पिक्सल ऐप की जरूरत पड़ने वाली है। फॉन्ट और पिक्सल ऐप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, डाउनलोड कर लीजिए। सो गाइस, पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद आपको इस आइकन पर क्लिक करना है और ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर लेना है। आपको फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट ले लेना है। अब आपको एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर अपना सी लिख लेता हूँ मैं और डन कर लेता हूँ। और नीचे स्क्रॉल डाउन कर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट वो साइज, इस पर क्लिक करके और अब यहाँ पर आपको दिखेगा रिलेटिव पोजिशन, इसे हम बिल्कुल साइटन में कर लेते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको फोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करिए और जो मैंने आपको फोन दिया है यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए। कैन फ्यूचर स्क्वायर उसका फोन का नाम है। अब आपको मैं इसे फिर से सही से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आपको सिंपली इसे सेव कर लेना है और इसे एडिट करना है फिर से और यहाँ पर सी हटाकर एस लिख कर और फिर से इसे सेव कर लेना है। अब ये करने के बाद आपको सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और कलर में जाना है और बैकग्राउंड ब्लैक चूज कर लेना है आपको यहाँ पर कलर। अब आपको सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है और फ्रॉम गैलरी में जाकर आपको अपने जो है हमारा पहला सी एम चुन लेते हैं और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। इतना बड़ा करने के बाद अब हम जाते हैं यहाँ पर और इसे रिलेटिव पोजीशन पे जाके फिर से सही से सेंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रहा कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए, इसे इनेबल करके इसे पर्पल कलर दे दीजिए। अब आपको फिर से अब मैं एस ले लेता हूँ जो हमने एस बनाया था वहाँ पर, ये देखिए मैंने एस ले लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है मुझे सही से करके। थोड़ी ज़्यादा सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी तो मैं आपको सारी सेटिंग को बताऊँगा, आपको शायद थोड़ी सी अजीब सा लगे देखने में। तो अब मैं इसे थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ सही से बिल्कुल एडजस्ट करके। अब आपको इसे नीचे थोड़ा स्ट्रेच कर लेना है ताकि ये सी का जो मतलब नीचे का जो बेस है इसका, सी के नीचे के बेस तक जितना मतलब ये बोल्ड हो सके, तो इतना कर लेना है आपको। इतना करने के बाद आपको यहीं पर छोड़ देना है। आप सोच रहे होंगे कि सी और एस के बीच में स्पेस क्यों नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लाना है। आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको जाना है शेप्स में, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर चूज़ करना है और यहाँ पर आपको लगा लेना है ये ऊपर बिल्कुल सी एस के जो है हमारी कॉर्नर पे। और अब इसे थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे पतला कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, तो सही से नहीं लगाया भी, मैं सही से लगा लेता हूँ, उसे मूव कर लेता हूँ एक बार और मूव करना है बस। देखिए हो चुका है, अब हमारा थोड़ा सा और रह गया। अब हम प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं, फिर से शेप्स में जाते हैं, यहाँ पर हम फिर से ब्लैक कलर अपना चूज़ कर लेते हैं और अब ये जो हमारा साइड का जो है बिल्कुल लेफ्ट वाला कॉर्नर, अब हम इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं ऐसे करके, क्योंकि हमारा बैक ब्लैक बैकग्राउंड है तो इससे ज़्यादा ईजी पड़ता है ये। तो ये कुछ ऐसा हमारा दिखने लग जाएगा। और अब आपको फिर से शेप्स में जाना है और अपना कलर ब्लैक ही चूज़ करना है। तो अब आपको क्या करना है सिंपली मैं बताता हूँ आपको। आपको यहाँ पर बीच में ये लगा लेना है हमारा, इतना पतला सा करके से थोड़ा और पतला कर लेते हैं, सी और एस के बिल्कुल जो है बीच में हमें यहाँ पर लगा लेना है। इसे लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको एस पर जो है क्लिक करना है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इरेजर, इरेजर में जाना है। अब आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करके और ये स्क्वायर वाला ले लेना है। अब जो हमारा एस है, हमें एस का जो बेस का पार्ट है वो हमें नीचे से काट लेना है। इतना कटने के बाद अब आप देख सकते हैं तो ये कुछ ऐसा हमारा दिखने लग जाएगा। अब जो हमारा ब्लैक का ये हमारा ये हमने शेप लिया था, अब आप इसे जहाँ से एस हमारा बिल्कुल बेस ख़त्म हो रहा है वहाँ से लगा दीजिए। अब इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, तो ये देखिए कुछ कितना इस प्रकार का हमारा कुछ ये बन जाएगा। तो गाइस काफ़ी यार अच्छा ये बन गया हमारा, काफ़ी जल्दी बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है और ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ यू।